ये मेरे दोस्त है सारे नल्ले, आज जा रहे कॉलेज और वहाँ से फिर घूमने का प्लान है। ये नहीं आइडिया किधर जाएंगे, तो बस जा रहे हैं वो वहाँ पे, बाकी प्लान वहाँ पे बनाएंगे कि किधर जाना है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं। Big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico. I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty. तभी बुक लेने आया था मेरे दोस्त नल्ले, बुक तो मिली नहीं। गार्ड ने भगा दिया, डैन के लोड़े थे। वो खड़ा है देखो, उसने भगा दिया। कह रहा एक बजे के बाद कॉलेज बंद हो जाती है, तो अभी चलते हैं। हमारा जो टारगेट था वो तो हुमायूं का टॉम्ब है, चलिए चलते हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों, जाने वाले थे हुमायूं का मकबरा, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया और आ गए चिड़ियाघर। लेकिन ये साला ये रहा, ये अभी तक सेटिंग सही लगा है पूरे बस में भी और अभी भी। Big shot, you some basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Hey, it's Nico, I guess I'm back. Catch me in the fast lane on the right track. And my shorty is a 10 like a dime bag. Got me feeling like a millie, check the price tag. Got the party jumping like crisscross. Abhi chal le, chidiyaghar ke andar. Ab ghoom ja, tu ghoom to kaise le rahe? Ki sakte aap log bahut zyada hai Sunday ko. बारिश में भी और बारिश तो हो ही रही है। चलो चलते हैं और अंदर ये स्टार्टिंग है, टिकट लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं चिड़ियाघर के अंदर। ये मेरे नल्ले दोस्त, कितने 320 रुपए की टिकट थी भाई, एक टिकट फालतू के पैसे हम दे के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे टिकट ऑफलाइन मिलनी बंद हो गई है और ऑनलाइन टिकट मिल रही है, तो आप लोगों को भी दिक्कत हो सकता है। तो आप सीख लो, आपके पैसे एक्स्ट्रा खर्च होने बच जाएंगे। जानवर देखते हैं, एक जानवर तो हमारे साथ है पूरा, देखो एक जानवर, ये जानवर ही तो है सारे, और क्या है। जानवर बाद में देखें, हमारे साथ के जानवर पहले देख लो आप लोग। चलिए चलते हैं, बाकी आगे देखते हैं, मजा आएगा। पहला जानवर हमें दिख चुका है, जानवर नहीं लेकिन ये चिड़िया है। अंकित उधर कहाँ घूम रहा है? अंकित उधर कहाँ घूम रहा है? चलो और देखते हैं यार। अंकित के दोस्त था, अंकित उधर कहाँ घूम रहा था तू? रंग बिरंगी कलरफुल होके। तो दोस्तों हमें रास्ता तो पता नहीं है किधर जाना है, बट देखते हैं, रास्ता पता नहीं है। अब यहाँ का यूँ घूम जाते, रास्ता बहुत घुमा हुआ है, तीन जगह जा रहे हैं, पता नहीं किधर जाना है। चलिए चलते, जिधर भी जा रहे लोग उधर ही चलो, जिधर ज्यादा लोग जा रहे हैं। नक्शा भाई, नक्शा देख ले, नक्शा देख ले, पहले शेर कहाँ है, पहले नक्शा देख लेते हैं। पहले शेर देख किस कोने पे, हमें इधर से जाना है, लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से पूरा घूम लेंगे। शेर इधर ही है, इधर ही इसी वाले रास्ते। शेर देखेगा पहले, ये पहले शेर देखेगा। सुन फिर वो वाला ये काको दिखा रहा है, तो हमें दिखा तो क्या हुआ, कुछ तो बोल रहे इमोजी, कुछ जानवर ये रहे, कुछ ये रहे। इधर तो आप लोग देख ही सकते हो जानवर, बाकी इतने अच्छे हैं। ये वाले तो थोड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये देखो हमारे घर में बहुत सारे घूमते हैं, ये जानवर किसी काम के नहीं है। यहां देखने आए थे, बाकी चलते हैं और देखते हैं। और ये जानवर था, रेंडियर था, हिरन, हिरन था ना, हिरन बिना सिंग वाला लकड़बग्गा था, इन्हें तो पता ही नहीं लकड़बग्गा से। अब बोल भाई, हम क्या करें, गांव के गवार है भाई, हमको कुछ पता नहीं है, हम तो गांव की गाड़ी जा रही है। ये इसमें इसमें कौन से जानवर, हमारे मम्मी अभी बारात में आई थी। यहाँ पर घूमने के भी एक्स्ट्रा पैसे दो, टिकट तो लो ही भाई, थोड़ा थोड़ा पैदल ही चल लेंगे, लेकिन पैसे फालतू नहीं खर्च करेंगे। एक पक्षी और दिख चुका है और देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है भाई, दिखाता है। जाते नहीं हुए कि जाते। अंकित कौन सा जानवर है? एक भांग मोसड़ा पक्षी है। इसके वो ये देख मछली, देख मछली कितनी बड़ी मछली, मछली थी ये सुमित का फेवरेट मच्छी कड़ी है, जो पसंद आ गई है उस समय से। और देख सकते आप लोग, यहाँ यार इतना बढ़िया कैमरा नहीं है, बट आंखों से तो बहुत ही अलग ही दिख रहा है वो। अब तेरे को आ चुका है कुछ नया, तो अभी हमें कुछ दिख चुका है नया। और ये शेर पूछ बंदर, बोनट बंदर, क्या ही होते क्या है, दिखा दे। तू खुद घूम, पढ़ सकते हो आप लोग,
अब इनमें तो उल्टा दिख रहा भाई। अबे ये रहा ना। इन्हें दिखने में दिक्कत होगी, रुक जाओ बैक करके दिखा, पढ़ सकते हो आप लोग। शेर कोई बंदर। तो गाइस फाइनली हमें एक बंदर दिख चुका है जो चू चू करता है, और अभी दिखाते हैं हम उसे। वो ये रहा, वो जा रहा है। बंदर का नाम है शेर पूंछ बंदर, जो किधर पाया जाता है इसके बारे में डिटेल आप लोग, दक्षिण भारत में पाया जाता है ये, उस कटिबंधीय सागर में आप लोग दिखा सकते हो। बाकी आप लोग देख के पढ़ लेना, इसमें पढ़ने का तो टाइम नहीं, बाकी हम देख। तो अभी हम देखेंगे दूसरा वाला बंदर, वो है थोड़ा सफेद, वो अंकित की तरह है। अरे भैया अंकित का मुंह दिखा दो, अंकित रोई दे, देखो अंकित का मुंह देख, अंकित कैसे देख रहा है। बैबून इसका नाम है, बैबून, और ये थोड़ा अलग ही है का नाम, आप देख ही सकते हो, बिल्कुल अंकित की शक्ल की तरह मैच हो रहा है ना। बाकी अब भाई बहुत ही ज्यादा औसम बना रखा है इनका तो घर, छोटा सा पहाड़ है, कैसा लग रहा है, कितना मस्त है। बंदरों के लिए झूला है, हाँ दिखा दिखा दिखा। एक बंदर हमें दिख चुका है जिसका नाम ये बैबून, इसका नाम कुछ और है भाई, इसका नाम है हेमड्रेस बैबून, इंग्लिश भी नहीं सही जा रहा है। प्राचीन मिस्र के निवासी है आप लोग देख सकते हो। बंदर के लिए झूला भी लगा रखा है यार, क्या अलग ही है, अलग ही भाई, अलग ही नशा इनका तो। बंदरों के लिए जो वो खड़ा है, दिख चुका है फाइनली हमें, दिख चुका है तू भाई। तो ये बंदर नहीं देख रहा है, कुछ और ही देख रहा है, बंदर की लाल क्यों है आप लोग देख ही सकते हो, बंदर की ये कुछ और देख रहा है, बंदर नहीं देख रहा भाई, अलग ही स्वैग है इनका। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दिल्ली के जू में इतना कुछ अब बचा नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पे देख सकते हो, है नहीं यार कुछ, पार्क तो है लेकिन हो रहे बारिश हो रही है ना, पार्क तो है लेकिन उसमें जानवर नहीं है। कुछ आते ही देख, वहाँ पे देख ध्यान से देख, वो है कोने में देख, आया ना जी, हाँ तो देखे तो कोने में, वो बकरी बता रहा है उसे, बंदरों को बकरी बता रहा है। उधर दिखाते हैं मोर, दिखा मैं पहला मोर है जो यार, ये तो आम मोर, हमें दूसरा कलरफुल मोर देखना है। तेरी मोर ले गए बाकी जो बचा था काली चोर ले गए। अबे अंदर का ये तो रंगीन मोर नहीं है, ब्लैक मोर है। ओए अंदर मत घुस भाई, जानवर जानवर देखने के लिए अंदर घुस रहा है ये जानवर, तेरा जानवर बन जाए। ओए मोर मोर दिखा, मोर हमें दिख चुका है, देख लिया। यहाँ पे है सांबर हिरण, देख सकते हो आप लोग, सांबर हिरण है यहाँ पे, सांबर हिरण है, इसके बारे में डिटेल है। बाकी फोटो में तो ऐसा दिख नहीं रहा, उसको सामने से देखो आप तब मजा आएगा। अभी देखो आप बहुत सारे हैं, बड़े बड़े दिखाते होते हैं आपको, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे इकट्ठे हो रखे। रोहित की मम्मी, रोहित के पापा, ये बिट्टू है, वो नन्नू है, वो है छोटा वाला सबसे, रोहित का छोटा भाई देख सकते हैं। हिरण के बीच में कुत्ता, हिरण के बीच में कुत्ता, देख सकते हो दोस्तों, ये रोहित बोल रहा है हिरण के बीच में कुत्ता। चलिए चलते हैं, बाकी तो टाइम निकल जाएगा नहीं, इन्हीं को देखते देखते अंधेरा हो जाएगा, चलते और जानवर देखते हैं। इतने पास से हिरण पहली बार देखा भाई, इतने पास से हिरण देखने का मजा ही कुछ हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जानवर कम है और इंसान ज्यादा है, तो हमें पता नहीं सब चल रहा है इसमें, तो हमें पता नहीं चल रहा जानवर इधर ज्यादा है कि इंसान ज्यादा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण मृग है, ब्लैक बक इसका नाम है, वो देख सकते हो आप लोग। सैमसंग S21 अल्ट्रा लेके आना चाहिए था, और हम देख सकते हैं आपको तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बाकी फोन का देख सकते हैं कैसा दिखता है इसमें। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सामने, देख ले गाइस, हम जल्दी हमें चलना होगा, हमें देखना है शेर, वो शेर भीग जाएगा तो घर में चला जाएगा। ओए मोर रोहित, ये क्या छलांग मार के भाग रहा है, देख चुके हैं ये वाले एनिमल्स, देख चुके हैं हम तो, इसे नहीं देखेंगे अभी, वो बड़ा भैंस बड़ा वाला, हमें चलेंगे भैंस देख रहे, पहाड़ी भैंस, पहाड़ी भैंस। एक जानवर हमें दिखा है कुछ अलग सा, उसे देखते हैं पहले, पहाड़ी भैंस का नाम, उनका शायद नाम कुछ और है लेकिन दिखने में तो पहाड़ी भैंस जैसे ही है। हेलो गाइस, वो देखो सुमित की सेटिंग, और सुमित का बच्चा भी हो गया, इसने हमें बताया नहीं, और इसे साले, ओए तूने बताया नहीं, तो गाइस हमें पहाड़ी भैंस दिख चुका है, और यार अलग ही मतलब नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल ये जानवर। तू घूम जा। उसका नाम है गौर, उसका नाम गौर है, यहाँ पे डिटेल से लिखा है, और जानवर हमें उधर देखने को मिला वो खड़ा है।
आप लोग देख सकते हो, अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ, बहुत ही अलग, बिल्कुल आंखों से देखने का तो अलग ही स्वैग है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, ये खड़ा है पहाड़ी भैंस जिसका नाम है गौर, एक उधर है दो है, तो ये अभी पेड़ के नीचे खड़े हैं, बारिश हो रही है बहुत, एक उधर है तीन है, बारिश हो रही है तो इस वजह से ये पेड़ के नीचे खड़े हैं। चलते और देखते हैं, यहाँ पे स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, पिकनिक मनाने आए, संडे को पिकनिक मनाने आए। तो यहाँ पे रेलिंग पार, जंगली बिल्ली देख सकते हो आप, जंगली बिल्ली देख सकते। यार बिल्ली तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे हमारे कॉलोनी में पड़ी रहती है, वो घूमते रहते, बेचारी मायूस सी लग रही है, दिखाते हैं आप लोग देख सकते हो, थोड़ा पास से इसे दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्ली देख सकते हो, ये तो बिल्कुल कॉलोनी की तरह है बिल्कुल। मैं बात करता हूँ, ये हमारा दोस्त ये अंकित, बात कर अपने इसकी भाषा में, ये उसकी भाषा में बात करना चाह रहा है, समझ भी पा रहा है क्या कहना चाह रहा है। आप लोग देख सकते हैं अकेला, हेलो क्यूटी पाई, ये बात करने की कोशिश कर रहा है उसकी लैंग्वेज में अंकित, ये समझ नहीं पा रहा है बात कर, ये भाई गाली देने की नहीं हो रही यार, ये कुत्ता अंकित। तो यहाँ पे एक कुत्ता भी देखने को मिला है, कुत्ता, ये कुत्ता है क्या, रकून डॉग है, कुत्ता लग रहा है, रकून डॉग लग रहा है, रकून डॉग लग रहा है मेरे ख्याल से, लोमड़ी है, गीदड़। गाइस देख सकते हो आप, ये पहाड़ी इलाके में पाया जाता है गीदड़, इसका नाम है गीदड़। ये परेशान है जब से, ये जब से इधर उधर चक्कर लगा रहा है, आई डोंट नो ये क्या करना चाह रहा है, लेकिन सब कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए घर बनाया गया है, और ये लग रहा है ये परेशान है, बारह चक्कर लगा रहा है, एक उधर देख सकते हो। बारिश में दोस्तों अभी हम लोग पूरा भीग चुके हैं जू में घूम घूम के, हमें हिरन तो यार बहुत सारे देखने को मिल गए, लेकिन अभी तक समझ नहीं आया और कोई से जानवर है भी जू में या खाली हिरन ही देख रहे हैं। इधर समझ नहीं आया कि कौन से हिरन है, हिरन है बहुत सारे, आप लोग देख ही सकते हो, इसका नाम है ढोल, ये पता नहीं कौन सा जानवर है। तो आप लोग प्यारा सा एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली है शायद, बिल्ली है थे। अब इतनी देर से घूम रहे और शेर ही नहीं दिखा मैं, मतलब लग रहा है मेरे ख्याल से उन्हें पकड़ के बंद कर दिया है पिंजरे में, तो शेर नहीं दिखा तो हमने कुछ नहीं देखा चिड़ियाघर में। बाकी जो भी है मेरे ख्याल से शेर था यार, लेकिन उन्हें ना बंद कर दिया, शेर दिखा नहीं, शेर दिखा तो समझ लो कुछ नहीं देखा, शेर नहीं देखा तो क्या देखा भाई, कुछ नहीं देखा, इसके ध्यान से पैसा आना बेकार हो गया हमारा, कोई फायदा नहीं है। तेंदुआ इतना हमने देखा था मतलब, लेकिन आंखों से देखने का अलग ही मजा है, आंखों से देखने मतलब अलग ही मजा है। अंडे कितने किलो का, हमें कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। इसमें फोटो भी नहीं खींच रहा, दो है यहाँ पे मेल फीमेल हो सकते हैं, देख सकते हैं आप गाइस, मैं कुछ नहीं तो 50 किलो का चिकन होगा, उसमें 50 किलो का चिकन होगा, थोड़ा दूर से बनाएगा तो थोड़ा और, तू थोड़ा और देखेगा, थोड़ा दूर से बना वीडियो, जगह एक्सप्लोर नहीं पा रही। तोता है बोरा बैठा, तोता देख सकते हैं, अभी हमारा टाइम हो गया घर जाने का, क्योंकि चिड़ियाघर क्लोज हो चुका है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। कितना बज गए, टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 5:17 और टाइम लास्ट टाइम है 5 बजे का है, 5 बजे तक बंद हो जाती है चिड़ियाघर। तो आप लोगों को कभी अगर चिड़ियाघर में घूमना है तो आपको 12:30 बजे तक एंट्री ले लेनी है, क्योंकि उस टाइम टिकट का टाइमिंग रहता है और 5 बजे लास्ट है, जो मतलब टिकट का टाइम ख़त्म हो जाता है, और शायद चिड़ियाघर भी उसी टाइम क्लोज हो जाता है चिड़ियाघर। तो आपको क्या करना है, 12:30 बजे एकदम टाइमिंग पे पहुँचो, 12:30 बजे की टिकट बुक करो और फिर आराम से पूरे जानवर देखो, हमने तो पूरा देख भी नहीं पाया। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा, अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं और गाइस फाइनली हमें बाहर आ चुके हैं एक्सिट गेट पे, तो हमें जाना होगा। और जैसा भी व्लॉग में आपको लगा हो थोड़ा अच्छा लगे तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग वाली व्लॉग बनाने वाले हैं। तो जैसा भी लगे आपको व्लॉग को बहुत ही प्यार और सपोर्ट करना, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि हम जगह को एक्सप्लोर कर सके अपने हिसाब से, क्योंकि हमने खाली बचपन से देखा ही है कि कैसी जगह होती है, लेकिन उसमें मतलब घूमने के बाद एक्सपीरियंस मिलता है हमें,
कि कैसा माहौल होता है बाहर का और क्या क्या चीज़ होता है, बाकी जो भी है डिटेल वो आपको मतलब मिल जाएगी, आप उस डिटेल गूगल करके भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, जब तक लिए बाय बाय, सी यू। Shake, senoritas going loco. Shake it, shake, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo. They big mad 'cause they coming up short like Frodo. Hey, hey.